मैंने प्याज टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्च, साथ में कॉर्न और पनीर, और ये ले लिया मैंने सूजी। तो चलिए इसका एक बैटर तैयार करते हैं। तो मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैं एक कटोरी सूजी ले ली है, एक कटोरी सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ले लिया है एक कटोरी सूजी है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें हमने पानी मिक्स कर दिया है, पानी थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें मैंने कॉर्न ऐड कर दिए, साथ ही इसमें हम टमाटर, प्याज, ये प्याज ऐड कर दिया मैंने, टमाटर ऐड कर दिया, मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है। आप कोई और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं पनीर के पीसेस वो भी ऐड कर देती हूँ, साथ ही इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, चिल्ली फ्लेक्स, इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दिए, साथ ही इसमें मैंने ऑर्गेनो भी ऐड कर दिए, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसे चेक करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी पानी सोख लिया है। तो ऐसा करते हैं, मेरे पास ना स्प्राउट पड़े हुए थे, कल मैंने बनाए थे, तो इसे भी मैं बीच में ऐड कर देती हूँ, इससे थोड़ा और भी टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया इसमें, इसे भी हिला लेते हैं एक बार। तो इसे भी थोड़ी देर और कवर करके रख देते हैं। तो चलिए अब इसे हटाते हैं, इसका पानी सूख चुका है। तो इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला फ्लेवर के लिए, इसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो कोई और मसाला डालना तो डाल सकते हैं। तो इसे 2 मिनट रेस्ट करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं 1/4 चम्मच थोड़ा सा पिंच ऐड कर देती हूँ, और साथ ही इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। तो ये तैयार हो गया है, इसे हम एक बार हिला के छोड़ देंगे। तो बैटर मेरा तैयार हो गया है। तो मैंने पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे, इसको हम ऑयलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। मैंने इसमें ऑयलिंग कर तो मैंने ऑयलिंग कर ली इसमें अच्छी तरह से। तो अब मैं इसे इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा लिया, उसका अलग बनाएंगे कुछ। तो इसे इधर मैंने पैन रखा हुआ है, तो इसमें इसमें हम इसे रख देंगे, तो इसे कवर कर देंगे, तो इसे स्टीम में पकाएंगे।
तो इसे वेट करेंगे थोड़ी देर। तो जब तक वो स्टीम से हो रहे हैं, इधर मैंने एक फैला दिया है, तो मैंने इस तवे पे डाल दिया है। वो इस सूजी के स्नैक्स बन रहे हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे, इसे उठा लेते हैं। वाओ, तो क्रिस्पी हो रहे हैं, साइड पे कर देते हैं। इसे मैं एक और डाल देती हूँ, थोड़ा सा नीचे ऑयल डालेंगे। जो बैटर है उस पर डाल के फिर दबा देंगे, फैला देंगे। मैंने थोड़ा सा बचाया था बैटर, पकने देंगे इसे। इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल ही लगा रही हूँ, सरसों का तेल। पके हैं तो इसे भी मैं उठा लेती हूँ। तो थोड़ी देर पकने लेंगे, तो इसे भी चेक करते हैं। तैयार हो रही है इधर स्नैक्स। तो आज मैं बना रही हूँ दो दो आइटम, तो इसे उठा लेती हूँ। वाओ, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसे हम गैस को कर देंगे बंद, तो इसे निकाल लेंगे बाहर। वाओ, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी, इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। तो स्नैक्स मेरे रेडी हो गए हैं। तो मेरी टिक्की स्नैक्स सूजी की तैयार हो गई हैं, तो अब मैं उन्हें खोलती हूँ। तो चलिए इसे भी खोलते हैं। वाओ, चेक कर लेते हैं, इसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इसे भी बाहर निकालते हैं, तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इसे बाहर निकालिए, चलिए इसे जरा ठंडा कर लेते हैं। इसे भी निकाल देते हैं बाहर, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो चलिए इसे इसे भी निकालते हैं बाहर। वो इसे ठंडा कर लेते हैं, तो फिर इसकी इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। तो इसे मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, जब हमारा खाने का मन होगा हम इसमें से पीसेस कट करके तो इसे सेक लेंगे या फ्राई कर लेंगे। तो इधर मेरी क्रिस्पी क्रिस्पी सूजी की टिक्की भी तैयार हो चुकी हैं। तो आप चाहो तो इसे इसके गोल पीसेस निकाल सकते हो, इसको इस तरह कट कर लेते हैं। इस तरह करके गोल पीसेस निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें इसे कट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको जिस तरह चाहें निकाल सकते हैं और उसे
इस तरह इसे भी आप निकाल के, आप चाहें तो सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो इसे आप तवे पे सेक लेते हैं। तो चलिए हम तवे पे सेक सेक देते हैं। तो मैंने इस तरह 3 पीसेस कट कर लिए हैं, एक राउंड और चौरस। तो चलिए इन्हें करते हैं फ्राई। इसे आपको जितने चाहिए आप कर लें, बाकी आप फ्रिज में रख दें, आप जब चाहें कर सकते हैं। तो इन्हें मैं कर लेती हूँ रोस्ट, इनको हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, सॉस के साथ बहुत ही यमी स्नैक्स तैयार होंगे। सिम गैस पे बनने देंगे। चलिए इसे उल्टा लेते हैं। रोस्ट हो रहे हैं, बहुत ही क्रिंची क्रिस्पी बन जाएंगे। तो मेरे स्नैक्स रेडी हो गए हैं, तो मैं गैस कर देती हूँ बंद और इन्हें मैं निकाल लूंगी बाहर। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप काट सकते हैं, छोटे काट सकते हैं, आप इन्हें चाहें तो और भी। वाह, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो गए हैं मेरे स्नैक्स, 2 टाइप ऑफ स्नैक्स। वाह, दोनों रेडी हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो स्नैक्स तैयार हो गए हैं मेरे, तो चलिए करिए एंजॉय। आप इसे चाहें तो और भी, इसे बहुत ही अगर ठीक लग रहे हैं तो आप इसे और कट कर सकते हैं बीच में से, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने पूरा खाना है कि हाफ खाना है। लीजिए तैयार हो गए, तो चलिए खाते हैं इसे। तो स्नैक्स मेरे तैयार हो गए हैं, वाह। तो लीजिए चलिए खाइए आप।